हेलो एवरीवन, आई एम कपिल गर्ग फ्रॉम अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट ऑफ आरपीआईटी कॉलेज कैंपस करनाल। इन आवर टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन बीडी रो आई ई जे एंड बी। सो रो इज इक्वल टू वी नो डैट ई बाई जे और वी कैन राइट हेयर ई डिवाइड बाई एन ई बी डी। ठीक है, और बी डी इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई एन ई रो। बी डी की वैल्यू हम निकालेंगे बी डिवाइड बाई एन ई रो एल, सिंस जे हमारा किसके इक्वल होएगा आई बाई ए के, और यहाँ से हम एन ई बी डी निकाल सकते हैं। और इस रिलेशन को फाइंड करने के लिए हम ई इज इक्वल टू वी बाई आई लगाते हैं। ठीक है, वन टेम्परेचर इंक्रीज बी डी डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बी डी हमारा डिक्रीज करेगा और रो क्या करेगा इंक्रीज करेगा। वन आई इंक्रीज बी डी डिक्रीज, जैसे करंट इंक्रीज करेगा बी डी हमारा डिक्रीज कर देगा। क्यों? क्यों आई इज इक्वल टू क्या होता था एन ई ए बी डी। ठीक है, करंट इंक्रीज करेगा तो बी डी हमारा क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सो द कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी वी कैन राइट फ्रॉम हेयर, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल है हमारा किसका? रेजिस्टेंस का। इट्स ऐसे यूनिट इज महो, कंडक्टेंस की हमारी ऐसे यूनिट क्या होती है? महो, एम एच। ठीक है, और कंडक्टिविटी क्या होती है? इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी हमारी रेसिप्रोकल होती है किसका? रेजिस्टिविटी का। ठीक है, उसकी ऐसे यूनिट क्या होती है? महो पर मीटर। उसकी ऐसे यूनिट क्या होगी? महो पर मीटर। ठीक है, तो आगे देखते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंसी देख लेते हैं किसकी? रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसे नोट डाउन करेंगे? हमें पता था, हम पीछे निकाल के आए थे लास्ट वीडियो में, आर हमारा किसके इक्वल होता था? एम डिवाइड बाई एन स्क्वायर टाउ और एल बाई ए के। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज ड्यू टू द मोर इंटरनल एनर्जी एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। देयरफॉर जो रेजिस्टेंस हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अल्फा निकालेंगे हम कैसे? आर टी माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट टी, या फिर अल्फा और कैसे निकाल सकते हैं? आर टू माइनस आर वन डिवाइड बाई आर वन टी टू माइनस आर टू टी वन, ऐसे करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और आर नॉट क्या हमारा? आर नॉट हमारा रेजिस्टेंस किस पे? जीरो डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, आर वन आर टी क्या हमारा? आर टी हमारी जब हमारा रेजिस्टेंस है कित पे? टी डिग्री सेल्सियस पे। आर वन क्या हमारा? टी वन डिग्री सेल्सियस पे। आर टू क्या हमारा? टी टू डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अगर हमारी आर टू की वैल्यू क्या हो जाए? कम हो जाएगी किससे? आर वन से। अगर हमारी आर टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी किससे? आर वन से। सो हमारी जो अल्फा होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। यहाँ पे रख के देख सकते हैं, आर टू की वैल्यू हमने क्या ले ली? कम ले ली। कैसे? अल्फा हमारा क्या ले लिया हमने? वन ले लिया, माइनस आर टू की वैल्यू मैंने ज़्यादा ले ली। ठीक है, डिवाइड बाय क्या आ गया? वन। आर टू क्या हमारा? टू इंटू में, यहाँ से ही देख लो ऊपर से हमारा क्या आ जाएगा? टू माइनस वन, माइनस का वन बचेगा, इट मीन्स की वो नेगेटिव वैल्यू आएगी हमारी। ठीक है, ये वो बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारी आर टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर टू की वैल्यू अगर हमारी क्या होएगी? लेस देन होएगी किससे? आर वन से, इट मीन्स कि अल्फा हमारा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अल्फा क्या आएगा हमारा? नेगेटिव आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।